हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पाइनएप्पल का यूज़ करके एथेनॉल यानी कि अल्कोहल बना के देखेंगे। तो आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो आई होप कि ये हमेशा की तरह सक्सेसफुल हो जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल बटन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। तो देख सकते हैं मैंने दो पाइनएप्पल लिए है, तो मैंने टोटली तीन परचेस किए, लेकिन मैं दो का ही यूज़ करूँगा। तो चलिए इसे पहले काट लेते हैं। तो काटने के लिए छुरी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक ये हाथ से ही टूट जाएगा। तो चलिए देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से टूट चुका है। तो चलिए इसे पीसेस कर लेते हैं छोटे से, आसानी से, ताकि ऐसे अपनी मिक्सी में आसानी से पीसे जा सके। तो चलिए मैं इसे पीस ले रहा हूँ। देखिए इस तरह से इसे पीसना होता है मिक्सी में, किसी तरह इसको बारीक करना होता है दोस्तों। तो चलिए इसे कांच के जार में डाल देते हैं। तो देखिए लगभग आधा पीसना जो है हमारा हो चुका है, और जो पूरे पाइनएप्पल है मैंने पीस दिए। तो चलिए हमेशा की तरह हम हमारा जो ईस्ट है यानी खमीर उसे एक्टिवेट कर लेंगे। तो खमीर को एक्टिवेट करने के लिए मैंने लगभग 15 ml के आसपास वाटर लिया है जो गुनगुना है, और उसमें दो या ढाई चम्मच उसमें शुगर ऐड कर लिया हूँ, और इसे अच्छे से घोल ले रहा हूँ ताकि ये अच्छे से घुल जाए। और बाद में इसमें हम एक चम्मच इसमें खमीर ऐड करेंगे। तो चलिए इसमें एक चम्मच खमीर ऐड कर देते हैं। ये जो खमीर है पंसारी की शॉप पे बढ़िया आसानी से मिल जाता है, क्योंकि ये जो ब्रेड वगैरह पाव बनाते हैं ना उसमें यूज़ किया जाता है। तो चलिए इसमें यूज़ करते हैं। तो अच्छे से इसको घोल लेते हैं। तो देखिए मैं इसे ऐसे ऐसे घोल के इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगा ताकि ये एक्टिव हो जाए। तो देख सकते हैं जो हमने पाइनएप्पल पीसे थे वो अच्छे से इसमें बबल्स आ चुके हैं। तो ये अच्छे से मतलब काफ़ी गाढ़ा हो चुका है ये। तो चलिए इसमें थोड़ा पोस्तादाना यानी कि पॉपी ऐड कर देते हैं। तो चलिए एक चम्मच के आसपास इसमें पॉपी डाल देंगे। बाद में थोड़ी सी सौंफ डालेंगे हम इसमें, और कुछ इलायची इसमें ऐड करेंगे, 2-3 इलायची की जरूरत पड़ती है, ज्यादा नहीं। ओके, कुछ लौंग डाले हैं मैंने इसमें, और ये फिटकरी है। तो चलिए इससे फिटकरी को ऐड कर लिया हूँ, और ये नौसादर है। नौसादर काफी कम मात्रा में डालना है, नहीं तो जो एथेनॉल है वो काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो चलिए हम इसमें प्लेन शुगर यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो ब्राउन शुगर या गुड़ का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है तो प्लेन शुगर इस बार हम यूज़ करेंगे। जो देख सकते हैं जो हमने ईस्ट जो मतलब खमीर जो एक्टिवेट करने के लिए रखा था वो काफ़ी अच्छे से एक्टिव हो चुका है। तो चलिए इसे घोल लेते हैं, इसमें डाल देते हैं। इसमें खमीर डाल के अच्छे से इसके बाद में इसे घोल लेना है। चलिए इसे खोल लेते हैं। ओके, तो चलिए इसे अभी फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे 8 दिन के लिए, और जो ढक्कन है वो ज़्यादा पैक नहीं करना है, ताकि जो इसका कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जा सके, सिर्फ अंदर की बाहर की जो ऑक्सीजन है वो अंदर ना जा पाए। तो देख सकते हैं ये मैंने फर्मेंटेशन के लिए रख दिया हूँ, और इसको लगभग 2 दिन हो गए। तो 2 दिन में अभी ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो ये जो है देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से इसमें फर्मेंटेशन हो रहा है। तो देख सकते हैं, आई थिंक आप नहीं देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छे से बबल्स दिख रहे हैं। तो देखिए अभी 8 दिन हो चुके हैं, तो 8 दिन में हम इसने फर्मेंटेशन यानी डिस्टिलेशन के लिए ये रेडी है। तो चलिए इसे डिस्टिल कर लेते हैं। तो डिस्टिल करने से पहले हम इसे छान लेंगे, और थोड़ी मतलब लगभग 2 या 3 घंटे के लिए डिकेंट होने के लिए रख देंगे। फिर इसे निचोड़ थोड़ा थोड़ा ऊपर का लेकर इसे डिकेंट करने के बाद ऊपर का लेंगे, ताकि जो एथेनॉल की क्वालिटी है वो एकदम प्योर वाइट टाइप किया जाए, नहीं तो ये थोड़ा भूरे रंग का आ जाता है। चलिए इसे छान के मैं एक बोतल में डाला हूँ।
चलिए बाकी का भी जो बचा है उसे भी छान लेते हैं। देखिए मैं इसे छान लिया हूँ और अभी मैं कच की जार खाली करके इसमें डाल दूंगा और इसे थोड़ी लगभग 2 या 3 घंटे के लिए इसे डिकेंड होने के लिए रख दूंगा। डिकेंड होने का फ़ायदा ये है कि मतलब जो एथेनॉल आएगा, एल्कोहल आएगा, उसका जो कलर है वो काफ़ी प्योर आएगा, एकदम कांच के जैसा, शीशे के जैसा सफ़ेद आएगा। तो चलिए इसे डिकेंड होने के लिए रख देते हैं। तो देखिए 3 घंटे बाद ये काफ़ी अच्छे से डिकेंड हो चुका है। तो चलिए इसे भरने में मैं डाल देता हूँ। तो देखिए ऊपर ऊपर का लेंगे, जो नीचे का है वो वैसे छोड़ेंगे और नेक्स्ट टाइम आप इसमें कुछ डाल के फिर से इसकी वाइन बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ओके इतना काफ़ी रहेगा, इतना छोड़ देते हैं। तो चलिए डिस्टिल करने के लिए देख सकते हैं इंडक्शन कुकर है और इंडक्शन चूल्हा है, तो उसी में इसको आप चाहे तो गैस भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसे मैं कुकर में ऐड कर लिया हूँ और देख सकते हैं कुकर का ढक्कन अच्छे से बंद कर देना है, कहीं से लीक ना हो जाए। तो देखिए अभी जो कॉपर पाइप है जो जुगाड़ करके मैं बनाया हूँ, ये एसी रिपेयर करने वाले के पास मिल जाता है। और चलिए इसमें ठंडा पानी ऐड कर लेंगे, ठंडा पानी डालना ज़रूरी होता है। अगर आपके पास बर्फ़ है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें पानी डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए हीटर को ऑन कर लेते हैं, चूल्हे को, इंडक्शन चूल्हे को, और जो अभी टेम्परेचर है वो हाई पे चलाया मैंने। देखिए थोड़ी देर में इसमें अच्छे से बबल आ रहे हैं और अभी जो टेम्परेचर है कम कर दिया हूँ ताकि जो टेम्परेचर है मेंटेन रहे। तो देखिए जो अल्कोहल प्रोड्यूस होना होने की जो प्रोसेस है वो लगभग स्टार्ट हो चुकी है। तो देखिए लगभग जो प्रोसेस है स्टार्ट हो चुकी है और ये जो इथेनॉल है गिरना स्टार्ट हो चुका है, जो ड्रॉप्स है वो गिरना स्टार्ट हो चुकी है। अभी जो फर्स्ट वाला जो है थोड़ा सा मेथेनॉल रहेगा, हमेशा की तरह लगभग 15 ml या 20 ml के आसपास इसे हम फेंक देंगे। देख सकते हैं इसे मैं फेंक दूंगा और जो अच्छी बॉटल है फ्रेश बॉटल वहाँ पर मैं लगा दिया हूँ और वो भी अच्छे से भर रही है। देख सकते हैं पानी काफ़ी गर्म हो चुका है, तो पानी बदल लेंगे। पानी समय समय पर बदलना जरूरी होता है क्योंकि बहुत ही जल्द गर्म हो जाता है। तो देखिए चलिए इसकी फ्लेम चेक कर लेंगे हमेशा की तरह हम, ठीक है। चलिए अंधेरे में ले चलते हैं, ओके चलिए लगा के देखते हैं। तो देखिए दिख रहा है, तो देख सकते हैं फ्लेम थोड़ी अभी ऊपर का जो उसका कोना है वो थोड़ा येलो टाइप दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो देख सकते विस्की की जो क्वालिटी है वो काफ़ी क्लीन है, क्रिस्टल क्लियर जैसी दिख रही है। चलिए अभी मैंने दूसरी बोतल वहाँ पे लगा दिया हूँ और थोड़ी सी अभी मैं चेक करूँगा, थोड़ी पी कर देखूँगा मैं इसे। चलिए लगभग 90 का पैक पी के देखते हैं, वो काफ़ी हार्ड है तो काफ़ी पानी डाल के पीना पड़ेगा। चलिए इसे मैं पीता हूँ, आपको बताता हूँ कैसे। तो पीने के बाद इसकी जो क्वालिटी है मतलब जो प्रीमियम क्वालिटी की जो विस्की आती है बाज़ार में उससे भी कई गुना ज़्यादा है। तो देख सकते हैं ये मैं लगभग 90 के आसपास पी चुका हूँ और अभी ये जो दूसरी बॉटल है वो भी भरते हुए आ रही है। और जो विस्की है वो काफ़ी बेहतरीन थी, वो पानी काफ़ी डालना पड़ा। जो दूसरी बॉटल है वो लगभग भरती हुई आ रही है और जो पानी है वो भी गर्म हो रहा है और जो प्रोसेस है वो अच्छे से हो रही है। तो देखिए जो बॉटल है 375 ml की वो लगभग भर चुकी है तो ये जो है सक्सेस हो चुका है हमारा एक्सपेरिमेंट। और कौन सी वीडियो देखना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, कुछ सवाल हो मन में तो कमेंट करिए, जरूर आंसर देंगे हम उसका। तो देख सकते हैं बॉटल भर चुकी है, अब इसे मैं पीऊँगा बाद में क्योंकि इसकी क्वालिटी जो काफ़ी अच्छी है, बाज़ार में जो प्रीमियम क्वालिटी की शराब आती है उससे भी अच्छी है।
चलिए इसका जो ढक्कन रख के ढक्कन लगा के इसको रख दूंगा। तो जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी इसकी ब्रांड सही में। इसको बाजार में लाने को लगभग मेरे ख्याल से 800-900 रुपये आराम से लगेगी, जो हमारा लगभग ये पूरा 100 रुपये के अंदर बन के तैयार हुआ है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय बाय।